कोलकाता पुलिस के कमिश्नर विनीत गोयल को पद से हटाने की मांग पर हुई जनहित याचिका दायर। कोलकाता पुलिस के कमिश्नर विनीत गोयल को पद से हटाने की मांग को लेकर एक दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सरकारी वकील को निर्देश दिया है कि वे विनीत गोयल की ओर से मामले की नोटिस स्वीकार करें। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि सरकारी वकील ने अपने आरजी कर मेडिकल के पूर्व प्रधानाचार्य की ओर से 3 दिन तक बहस की थी और बाद में वकील बदल दिए गए थे। इस वजह से विनीत गोयल की ओर से मामले की नोटिस सरकारी वकील को ही लेनी होगी। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी, जहां कोर्ट में विनीत गोयल के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर विस्तृत चर्चा और कानूनी कार्रवाई होगी। यह मामला कोलकाता के एक महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई का रूप लेता जा रहा है, जिसे लेकर शहर के विभिन्न वर्गों में चर्चा तेज हो गई है। तो इस बीच आपको बता दें, कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को पद से हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस याचिका में गोयल को पद से हटाने की मांग की गई है, जिसमें उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि गोयल की भूमिका और उनके कार्यकाल के दौरान कुछ घटनाओं को लेकर जनता में भारी आक्रोश है। कोलकाता पुलिस के कमिश्नर विनीत गोयल को पद से हटाने की मांग पर हुई जनहित याचिका दायर। कोलकाता पुलिस के कमिश्नर विनीत गोयल को पद से हटाने की मांग को लेकर एक दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सरकारी वकील को निर्देश दिया है कि वे विनीत गोयल की ओर से मामले की नोटिस स्वीकार करें। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि सरकारी वकील ने अपने आरजी कर मेडिकल के पूर्व प्रधानाचार्य की ओर से 3 दिन तक बहस की थी और बाद में वकील बदल दिए गए थे। इस वजह से विनीत गोयल की ओर से मामले की नोटिस सरकारी वकील को ही लेनी होगी। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी, जहां कोर्ट में विनीत गोयल के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर विस्तृत चर्चा और कानूनी कार्रवाई होगी। यह मामला कोलकाता के एक महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई का रूप लेता जा रहा है, जिसे लेकर शहर के विभिन्न वर्गों में चर्चा तेज हो गई है। तो इस बीच आपको बता दें, कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को पद से हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस याचिका में गोयल को पद से हटाने की मांग की गई है, जिसमें उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि गोयल की भूमिका और उनके कार्यकाल के दौरान कुछ घटनाओं को लेकर जनता में भारी आक्रोश है।